लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, खराब मौसम के कारण 24 फ्लाइट डायवर्ट। मौसम विभाग की पूर्वानुमान के अनुसार ही सोमवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली एनसीआर समेत हिमाचल प्रदेश और मुंबई के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। इससे तपती गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली। उधर खराब मौसम और कंजेशन के चलते रात 8:45 से 9:45 के बीच दिल्ली से 24 फ्लाइट डायवर्ट की गई हैं। सड़कों पर दिल्ली वासियों को मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखा गया। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को इस मौसम में ठंडक महसूस होने लगी। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार तय समय सीमा से पहले ही मानसून पूरे भारत में पहुंच चुका है, जो कि आमतौर पर हर साल 15 जुलाई तक दस्तक देता है। विभाग ने अगले 4 दिन के भीतर 7 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय में भारी बारिश और 18 राज्यों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक 1 जून से 2 जुलाई के बीच देश भर में 167.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 7% कम है। एक अनुमान के मुताबिक अगर मानसून सामान्य रहता तो देश में एक महीने के भीतर 180.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती। वहीं जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल, पंजाब, उत्तरी हरियाणा, झारखंड, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा में अच्छी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है।